बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट सफिया कवर। मैं लेके आई हूं मेकअप की अवेयरनेस का बड़ा शो, मेकअप शो विद एम रमजान। जी बिल्कुल, जिसका होता है आपको बेसब्री से इंतजार। और आज मेकअप आर्टिस्ट मोहम्मद रमजान मौजूद हैं हमारे दरमियान और उनसे उनकी तरफ हम चलते हैं। कैसे हैं आप सर? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और आज एक महीने के गैप के बाद आप सबके लिए वर्ल्ड क्लास मेकअप की टेक्निक लेके हाजिर, और आज आपको इंटरनेशनल आई मेकअप करने का प्रोफेशनल तरीका प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा। और आप तमाम रेडी हैं काम सीखने के लिए? Yes. और अभी हम काम शुरू करते हैं, आते हैं आई मेकअप की जानब, रियल टेक्निक आई मेकअप की, कि कैसे आई मेकअप एप्लीकेट किया जाता है। और सबसे पहले हम एप्लीकेट करेंगे आज आईलाइनर। आईलाइनर एप्लीकेशन करेंगे, आईलाइनर के डिफरेंट तरीके के, कौन कौन सा आईलाइनर किस आंख पे अप्लाई किया जाता है, शॉर्ट लाइनर, लॉन्ग लाइनर। और अभी हम सबसे पहले हमें सिंपल वाटर हमने अप्लाई करना है आईलाइनर ब्रश पे, और उसको हमने आईलाइनर भिगोते हुए एप्लीकेट करना है। और ये हमारा आईलाइनर बिल्कुल प्योर ब्लैक कलर का, इसको हमने हल्का सा पानी से ब्रश को भिगो के एप्लीकेट करना है लाइनर को, और उसके बाद हमने शुरू कर देना एप्लीकेट करना आईलाइनर। आंखें क्लोज रखिएगा, और जब भी आपने मेकअप करना है सब्जेक्ट से मुखातब रहना है, आंखें क्लोज करें, आंखें ऊपर देखें या नीचे देखें। बहुत से लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट कहीं भी देख रहा होता है तो वो काम करना शुरू कर देते हैं। आंखें क्लोज रखिए प्लीज, और आंखें क्लोज करवाने के बाद हमने आंखों के इनर से शुरू करना है एप्लीकेट करना आईलाइनर। ये हमारा आंखों का इनर, यहां से हमने इसको अच्छी तरह से मर्ज करते हुए शुरू करना है आईलाइनर को। सबसे पहले मैंने आपको जो आईलाइनर एप्लीकेट करके दिखा रहा हूं वो है सिंपल आईलाइनर। कौन सा आईलाइनर है? सिंपल आईलाइनर की एप्लीकेशन हम अभी कर रहे हैं। कोई भी सवाल आपके माइंड में आए तो आप पूछ सकते हैं उसको, ठीक है? अच्छा सर, कुछ लोग ऐसे हैं जो टेप लगा के लाइनर लगाते हैं, क्या ये प्रोफेशनली ठीक है? प्रोफेशनली YouTube पे या बहुत से लोग हमेशा ऐसे खींच के लाइनर टेप लगा के अप्लाई करते हैं, वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है। लेकिन सेल्फ में वो लोग उसको अप्लाई करते हैं, सेल्फ मेकअप में उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन कभी भी बैठी हुई हैं वो लगा सकती हैं, लगा सकती है, लेकिन वो प्रोफेशनल और इंटरनेशनल तरीका नहीं है। आंखें क्लोज रखिएगा। सबसे पहले हमने इनर के पास से अप्लाई किया, अब हमने हाफ आंख पे आके बिल्कुल कॉर्नर पे आके हमने यहां पे आके इसको, आंखें क्लोज रहेंगी, आंखें क्लोज रहेंगी, यहां पे आप इसको आके हल्का सा हमने ऊपर की जानब उठा देना है, जहां पे आंखों का एंड हो रहा है। कहां से? ऊपर देखिएगा प्लीज, ऊपर देखिएगा, ये जहां से आंखों का एंड हुआ है वहां से हमने हल्का सा आईलाइनर को ऊपर उठा देना। आंखें क्लोज रखिएगा प्लीज, इसी को हमने हल्का सा मर्ज करते हुए इनर बना देना है। जो है ये लाइनर सिंपल लाइनर है जी। सबसे पहले आज जो मैं आईलाइनर एप्लीकेट कर रहा हूं वो है सिंपल आईलाइनर। डिफरेंट लाइनर आज प्रैक्टिकल करके दिखाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे और सिखाए जाएंगे। और ये सिंपल वाटर से इसको भिगोना है। भिगोने के बाद हमने आईलाइनर, ये वाटर प्रूफ होता है, इसको इस तरह से हमने अप्लाई करना है और अच्छी तरह से इसको हमने मर्ज करके अप्लाई करना है। एप्लीकेट करने के बाद इधर देखिएगा प्लीज, आंखें क्लोज रखिएगा, सब्जेक्ट को बोलना है कि इस साइड पे देखे, जब वो देखे फिर दूसरी आंख के ऊपर हमने आईलाइनर एप्लीकेट करना है। हमारी कोशिश होती है रियल टेक्निक। पाकिस्तान का कोई भी टीवी चैनल, रोज न्यूज वाहिद चैनल है जहां से आपको एक एक हुनर की टेक्निक प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, ताकि हमारे मुआशरती निजाम में एक अच्छा और पॉजिटिव चेंज आ सके। आंखें क्लोज रखिएगा, इस तरह आपके हैंड में पफ हमेशा होना चाहिए, पफ आपके पास होना चाहिए, आंखें क्लोज रहेंगी, और इस तरह से हमने इनर से एप्लीकेट करना है। इनर किस जगह को बोलते हैं आप सबको कोई आइडिया है? कहां इनर, कहां पे होता है आंख का? जहां से आंख शुरू हो रही होती है, बिल्कुल इनर के पास से हमने आईलाइनर की एप्लीकेशन करनी है। और सिंपल आईलाइनर अभी मैं एप्लीकेट कर रहा हूं। सबसे पहला जो हमारा आईलाइनर है वो है सिंपल आईलाइनर की एप्लीकेशन। इसको हमने अच्छी तरह से मर्ज करते हुए एप्लीकेट करना है, मर्ज करते हुए, और जहां आंख एंड हो गई है, ये जहां आंख एंड हो गई है वहां से हमने इसको हल्का सा ऊपर की जानब उठा देना। ऊपर देखिएगा प्लीज, ये इस तरह से, क्लियर? आंखें क्लोज रखिएगा, इसको हमने अच्छी तरह से यहां से उठा दिया, और इसको फिर मर्ज फिल करना है। आईलाइनर जो हमने एप्लीकेट कर दिया उसको फिल करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे? अच्छी तरह से हमने इसको फिल करना है ताकि वो आंखों की बिल्कुल क्लीन होके मर्ज हो सके। आज हम कितने टाइप के जो आईलाइनर्स हैं वो सीख सकते हैं? आज कम से कम 4 से 5 आईलाइनर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, पढ़ाएंगे और सिखाएंगे।
उनका सही तरीका कि किस किस तरह से कौन कौन सा आई लाइनर एप्लीकेट किया जाता है. ये सबसे पहले मैंने सिंपल आई लाइनर एप्लीकेट किया और कोई भी शेडो हमने आंख के ऊपर अप्लाई नहीं किया हुआ, कोई भी आई शेडो आंख के ऊपर अप्लाई नहीं किया हुआ. सामने देखिएगा प्लीज. उसकी क्या वजह, मोस्टली लोग मेकअप करके फिर लाइनर लगाते हैं. उसकी वजह, हाँ उसकी वजह यह है कि आज हम बेसिकली आई लाइनर हमारा जो शो है, हम हर डे में एक चीज सिखाते हैं. किसी दिन हम हेयर स्टाइल सिखा रहे होते हैं, किसी दिन हम मेकअप सिखा रहे होते हैं. आज हमारा मेन सब्जेक्ट है आईब्रो और आईलाइनर, तो हम इनके ऊपर फोकस रखेंगे कि आईलाइनर को कैसे क्रिएट करना है. ये हमारा सिंपल आईलाइनर एप्लीकेट हो गया. अभी मैं आपको दिखाता चलूं कि जहां पे हमारा एंडिंग हमने अप्लाई किया हुआ था, ऊपर देखिएगा प्लीज, यहां से हमने हल्का सा बाहर की जानब इसको इनहेंस कर देना है. तो इसको बोलते हैं कैट आईलाइनर. ये जो हल्का सा बाहर निकल रहा है इसको बोलते हैं कैट आईलाइनर. इसको अब मैं फिल करूंगा. थोड़ा सा नीचे देखिएगा प्लीज, ये अब हम इसको फिल करेंगे अच्छी तरह से. अच्छा, कैट आई मेकअप. सर जो कैट आईलाइनर होता है ये मोस्टली हॉलीवुड लोगों में जो है ये पहचान होती है इसकी, लोग इसको करवाते हैं. पाकिस्तान में तो इतना नहीं है इसका. बिल्कुल आपने ठीक बोला, पाकिस्तान में नॉर्मली क्या किया जाता है, खेच के लाइनर अप्लाई किए जाते हैं, उनको अप्लाई करते हैं. लेकिन हमारी कोशिश है स्ट्रेट लाइनर जो है कैट आईलाइनर, वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाए जाए, पढ़ाए जाए और सिखाए जाए. अच्छा, यहां तक हमारा ये मीडियम कैट लाइनर है. जो आधी आंख पे होता है उसको मीडियम कैट बोलते हैं. अगर हम इसको लॉन्ग कर देंगे, पहले लाइट था फिर मीडियम हुआ, अब ये लॉन्ग हो जाएगा. तो थोड़ा सा इधर देखिएगा ताकि देखने वाले आसानी से इसको देख सकें. ये मैंने अभी इसको ये लॉन्ग कर दिया. थोड़ा सा ऊपर देखिएगा प्लीज, यहां से अब हम इसको अच्छी तरह से मर्ज करते जाएंगे. ये डाउन हाईलाइटर, डाउन जो है हमारा डाउन लाइनर जो है, इसको हमने मर्ज करते हुए अप्लाई करना है. ब्रश को प्रॉपर प्रेस करते हुए अप्लाई करेंगे, ऊपर ऐसे रखते नहीं जाएंगे, प्रॉपर स्किन में मर्ज होना चाहिए. अच्छा, यहां तक अभी जो हमने आईलाइनर एप्लीकेट कर दिया, ऊपर देखिएगा ये है कैट आईलाइनर विद लाइट कॉर्नर. ये जो हमने एंड पे अप्लाई किया ये लाइट कॉर्नर, इसको डबल कैट भी बोलते हैं. ऊपर देखिएगा, अब मैं आपको सेकंड थर्ड टेक्निक बताने जा रहा हूं, वो ये है कि डबल कैट आईलाइनर. ऊपर देखिएगा प्लीज, डबल कैट आईलाइनर विद हाफ आईज. ये हाफ आईज पे जो मैंने एप्लीकेट कर दिया. काजल दीजिएगा प्लीज, अभी एक टाइम पे आपको कम अज कम 20 टाइप के लाइनर आज सिखाए जाएंगे. उनकी प्रैक्टिस आपने करनी है और इसको फॉलो करना है ताकि आप फिर जो देखने वाले हमारे हैं वो भी इन चीजों को फॉलो करें, फिर प्रैक्टिस करें ताकि आप एक अच्छे रोजगार की जानब बढ़ सके. ऊपर देखिएगा प्लीज, ये हमने इसको अच्छी तरह से ये अप्लाई कर देना, आई लाइनर को मर्ज करते हुए अप्लाई करेंगे. अच्छी तरह से इसको मर्ज करते हुए अप्लाई करेंगे और ब्रश जो है वो स्किन में से गुजर के जाना चाहिए. ओके, ये पकड़िएगा प्लीज. यहां पे ये हमारे पास सिंपल काजल है, कोई बहुत ही इंपोर्टेड काजल नहीं है कि जो 5-10-15 हजार का हो. सिर्फ आपको टेक्निक आनी चाहिए. ये सिंपल काजल, इसको हमने अप्लाई करना आंख के हाफ एरिया पे, क्योंकि पहले मैं आपको हाफ कैट बना के दिखा रहा हूं. हाफ कैट के लिए हमने ऊपर देखिएगा ये हमने आई लाइनर की एप्लीकेशन कर देनी है आंखों के बिल्कुल. अच्छा सर, काजल तो फैल जाता है तो वो कैसे, मतलब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि काजल फैले ना? बिल्कुल, काजल जो फैलता है, ऊपर देखिएगा प्लीज, काजल फैलने का जो तरीका है उसको खत्म करने के लिए हमें कट ब्रश की मदद से मर्ज करना होता है काजल. इसके बाद जैसे ही मैं डबल कैट आईलाइनर एप्लीकेट कर लूंगा, फिर मैं इसको मर्ज करके दिखाऊंगा कि कैसे ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टे कर सकता है. ऊपर देखिएगा, तो ये हमने इसको अच्छी तरह से, आंखें क्लोज रखिएगी अभी आप, बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब मैं आंख को ओपन करवाना होता है मैं बोलता हूं आंख ओपन करें, जब क्लोज करवाना है क्लोज करवानी है. ऐसे बिल्कुल एकदम से शुरू नहीं हो जाना, वो रॉन्ग तरीका है. आंखें क्लोज रहेंगी और ये हमने बिल्कुल हाफ आंख के ऊपर इसको अप्लाई कर दिया डबल कैट आईलाइनर. जो अभी हम सबसे पहले, जो सबसे पहला आईलाइनर था वो कौन सा था? सिंपल आईलाइनर. आज आप सबके लिए गिफ्ट हैम्पर भी हैं, आप अच्छे तरीके से इसको फॉलो करो. आपसे सवाल पूछे जाएंगे फिर आप तमाम के लिए ये गिफ्ट हैम्पर आप सबको भी मिलेंगे. ऊपर देखिएगा प्लीज, आज हम डिफरेंट तरह के आई मेकअप सीख रहे हैं सर रमजान से, और जिन्होंने लाइव कॉल करनी है वो लाइव कॉल पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं कि कुछ, अगर किसी ने कुछ सीखना है
तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है. इसके अलावा गिफ्ट हैम्पर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, तो वो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे. तो सर आज जी बिल्कुल जी बिल्कुल इंशाल्लाह तमाम काम किया जाएगा. थोड़ा नीचे देखिएगा, आंखें नीचे देखेंगी. जब आंखें नीचे देखेंगी, अच्छा ये आपको बहुत करीब से देखने को मिल रहा है. यहाँ जो एंडिंग एरिया है, यहाँ से हमने इसको ये उठा दिया. क्लियर? इसको अच्छे तरीके से उठा दिया और इसको फिर हमने ये फिल कर देना. ये बन जाता है डबल कैट आईलाइनर. ओके, डबल कैट आईलाइनर को हमने अप्लाई करना है. कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए होगा, और जब भी आपको शाइन या कुछ इस तरह से प्रॉब्लम होता है तो कॉम्पैक्ट की मदद से आप टैप कर सकते हैं बेस को. फिर आपकी कभी भी बेस खराब नहीं होगी. और जो हम बेस यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वो कम अज कम 24 घंटे बेस स्टे करती है. तो इस चीज को हमने मद्देनजर रखना है. इस तरह से हमने जब भी ब्राइड का कोई पसीना या कुछ आता है, लिप बंद कीजिएगा प्लीज. तो इस तरह से आप कॉम्पैक्ट को टैप करते जाएं. अच्छा, क्योंकि हमारे शो का मकसद ही ये है कि आपको एक एक टेक्निक बताई जाए. अच्छा, ताकि आप जी क्वेश्चन है कि अभी जैसे आपने कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई किया, जैसे उनके पसीना आया, मुझे ये बताएं कि मोस्टली जब पसीना या कुछ भी पानी वगैरह लगता है तो बेस फट जाती है, तो इसका बता दें कि कैसे कंट्रोल किया जाए. बेस अगर फट गई है तो उसको कैसे ठीक किया जाए? जी, अगर बेस इस तरह से खराब हो गई है तो सिंपल पैनकेक की एप्लीकेशन हम करेंगे तो बेस ठीक हो जाएगी. ओके. अभी हमने ये मैंने आपको कैट आईलाइनर बता दिया. अभी तक अब इसको हम जो नीचे आईलाइनर एप्लीकेट करेंगे, मर्ज करेंगे, वहां से ये डबल कैट हो जाएगा. तो इसको हमने ऊपर देखिएगा, यहां से अब हम इसको अप्लाई करेंगे बिल्कुल जहां पे आईलैशेस का एंड हो रहा है, वहां से हमने ऊपर देखेंगे आंखें, और आंखें ऊपर देखेंगे तब आपका डबल कैट सही एप्लीकेट होगा. एक एक पॉइंट आपको बताया जाता है ताकि आपके माइंड में ये बैठ सके और आप इसको अच्छे तरीके से नेक्स्ट प्रैक्टिकल कर सके. ऊपर देखिएगा प्लीज, बहुत शुक्रिया आपका. और अच्छी तरह से हमने इसको मर्ज करना है, स्किन में मर्ज करते हुए आईलाइनर की एप्लीकेशन करेंगे. और जितने हमारे देखने वाले हैं वो हमारे को फीडबैक पहुंचा सकते हैं. रोज न्यूज के फोरम से नंबर चल रहे हैं, हमारा जो लोकल नंबर है उसके ऊपर नंबर भी बता दीजिएगा प्लीज. बिल्कुल, जो नंबर है हमारा 0512331678 पे आप कॉल कर सकते हैं और लाइव कॉल करके हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं. जी सर उपाधिक, बिल्कुल जी, मेकअप की टेक्निक से रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा. और जो आप देखना चाहते हैं वो आप लिखवा भी सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट शो में सेम काम आपको करके बताया जाएगा. आंखें क्लोज रखिएगा प्लीज. और रोज न्यूज के फोरम से ये आपके लिए बहुत बड़ी एफर्ट है. रियल टेक्निक, रियल टेक्निक, आपको कोई भी चीज हिडन नहीं रखी जाती यहाँ पे. एक एक चीज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है. अच्छी तरह से हमने आईलाइनर की एप्लीकेशन करनी है मर्ज करते हुए. ऊपर देखिएगा, और ये हमारा हाफ कैट, हाफ कैट आईलाइनर और हाफ कैट आईलाइनर को हमने अच्छी तरह से मर्ज करते हुए अप्लाई किया. अब हमने दोबारा से सिंपल वाटर की एप्लीकेशन की आईलाइनर पे, और इसको हमने अप्लाई करते हुए थोड़ा सा इस साइड पे देखिएगा. अब हम इसको फुल आंख की जानब जाएंगे, जो फुल आंख की जानब जाएगा वो हो जाएगा डबल कैट आईलाइनर. क्लियर? ऊपर देखिएगा, ये हमने इसको अच्छी तरह से मर्ज करते हुए अप्लाई करना है. आप फोकस रखें और पर्सेस वगैरह को छोड़ दें अभी फिलहाल, इधर तवज्जो रखें. और ऊपर देखिएगा प्लीज, स्टार स्टाइलिश आर्ट इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद के फोरम से ये बहुत बड़ी एफर्ट रहती है कि आपको रियल टेक्निक बताई जाए मेकअप के हुनर की. ऊपर देखिएगा, और ये हमारा हाफ आंख का आईलाइनर. यहां से आगे हम इसको फुल फिल करेंगे तो ये डबल कैट, यानी नाम पहले पता होने चाहिए. हमारे यहां लोगों को नाम ही नहीं पता कि आईलाइनर कौन सा है, एप्लीकेशन कौन सी है, और ये किस फंक्शन पे अप्लाई करना है और क्यों अप्लाई करना है. अच्छा सर, इसके लिए ये मखसूस होता है कि किसी अगर छोटी आईज है तो लाइनर किस तरह का लगाना है, और अगर आईज थोड़ी बड़ी है तो लाइनर थोड़ा डिफरेंट लगाना है? इस तरह से नहीं होता. सबसे पहले करेक्टर मेकअप, दुनिया मेकअप में एक सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है करेक्टर मेकअप. सबसे पहले आपको करेक्टर समझना है कि करेक्टर है क्या. अगर तो आपको सिंपल लुक दिखानी है तो आप सिंपल आईलाइनर एप्लीकेट करेंगे किसी भी सब्जेक्ट पे, और अगर आपको बहुत ज्यादा शार्प लुक दिखानी है फिर आप खींचा हुआ आईलाइनर एप्लीकेट करेंगे, और अगर आपको इनोसेंट दिखना है फिर आप स्ट्रेट आईलाइनर एप्लीकेट करेंगे. तो ये रीजन होता है. हमारे यहां क्योंकि पढ़ते नहीं है, कोई भी लड़की किसी भी तरह का खींच के लगा देती है आईलाइनर. तो इधर देखिएगा प्लीज, सबसे पहले ऊपर देखिएगा, आपको समझना है कि आपको लुक को दिखाना क्या है, फिर आपको आईलाइनर की एप्लीकेशन करना. ऊपर देखेंगे आंखें,
और अगर आपका सब्जेक्ट आंखों को बार बार वो भी कर रहा है, उनको आप बोलें जब तक वो आंख रुके ना आप अप्लाई मत करें, नहीं तो आपका एक डॉट ब्लैक जो होगा आपकी आंख को खराब कर देगा। ऊपर देखेंगी आंखें, थोड़ा सा सामने देखिएगा प्लीज, बहुत शुक्रिया। अभी हमें काजल चाहिए होगा, अच्छी तरह से हमने इसको मर्ज करते हुए एप्लीकेट करना है, आईलाइनर को स्किन में मर्ज करते हुए एप्लीकेट करेंगे, मर्ज करते हुए। और ये आपके सामने सामने देखिएगा प्लीज, यहां मैंने हाफ कैट आईलाइनर एप्लीकेट कर दिया, यहां मैंने डबल कैट आईलाइनर एप्लीकेट कर दिया। अब मैं इसको फिल करूंगा, जो फिल करते हैं काजल और वहां से आईलाइनर का नाम चेंज होता है, ग्लैमराइज आंखें बन जाती है, यानी बहुत ज्यादा आंखों में जो कशिश होती है, हूरों की तरह बड़ी बड़ी आंखें, वो फीलिंग्स आ जाती हैं काजल की एप्लीकेशन करने के बाद। ये पकड़िएगा प्लीज, ऊपर देखिएगा, ये आपके सामने एक एक टेक्निक आपको बताई जा रही है, कुछ भी हिडन नहीं रखा जा रहा है। अच्छी तरह से हमने काजल की एप्लीकेशन करनी है, ऊपर देखिएगा इनर के पास से हमने काजल की एप्लीकेशन करनी है स्किन में मर्ज करते हुए, अच्छी तरह से मर्ज करेंगे, मर्ज करेंगे। थोड़ा सा इस साइड पे देखिएगा और सब्जेक्ट को जहां आपने दिखाना है वहां बोलेंगे कि आप प्लीज यहां देखें। कभी भी इस तरह नहीं करेंगे कि सब्जेक्ट कहीं और देख रहा है और आप एप्लीकेट करते जाएं करते जाएं करते जाएं, ये अच्छा, ऐसे कभी भी सर, नहीं करना। छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, हम ब्रेक ले लें, फिर इसके बाद दोबारा वापिस आते हैं और देखते हैं सर रमजान और कौन कौन से आईलाइनर हमें सिखाएंगे और इसके अलावा लाइनर्स के अलावा हमें क्या सिखाएंगे आज। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मेकअप शो विद एम रमजान जी। बिल्कुल, स्टार स्टाइलिश आर्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स ओपन है, अगर आपने लाइव कॉल करनी है तो लाइव कॉल भी कर सकते हैं, सर से क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज सर मेकअप आर्टिस्ट मोहम्मद रमजान डिफरेंट तरह के लाइनर लगाना सिखा रहे हैं, इसके अलावा डिफरेंट मेकअप भी सिखाएंगे, वो हम आगे नेक्स्ट इनसे सीखते हैं। और लाइव कॉल करने के लिए आप 0512331678 पे कॉल कर सकते हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं जो भी मेकअप से रिलेटेड आपने करना है। इसके अलावा स्टार स्टाइलिश आर्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ओपन है और 15% ऑफ चल रही है, और उनके नंबर स्टार स्टाइलिश का आर्ट इंस्टीट्यूट का नंबर भी चल रहा है, उस पर आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सर रमजान की तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि अभी कौन सा लाइनर वो सिखा रहे हैं या क्या सिखा रहे हैं अभी। जी बिल्कुल जी, अभी हम डबल कैट आईलाइनर पे थे और डबल कैट से ग्लैमर आई मेकअप का जो सफर है वो कैसे होता है, डबल कैट आईलाइनर को कैसे चेंज किया जाता है, और काजल चाहिए होगा। सिंपल हमारे पास काजल है, इस काजल की मदद से हमने आप क्या करना है, आईलैशेस के जो छोटा छोटा हिस्सा होता है, ऊपर देखिएगा प्लीज, बहुत शुक्रिया आपका, थोड़ा सा इस साइड पे देखिएगा, थैंक यू वेरी मच आपकी कोऑपरेशन का। और ये इसको हमने अच्छी तरह से मर्ज करना है, आंखें ऊपर देखेंगी आपकी, जो आईलैशेस का छोटा छोटा जर्रा है आपकी आंखें ऊपर देखेंगी, उसमें भी हमने काजल की एप्लीकेशन करनी है अच्छे तरीके से मर्ज करते हुए। सामने देखिएगा तो फिर आपका जो आई बॉल है ये एक लेंस की शक्ल अख्तियार कर जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल देखिएगा। ये लैशेस के अंदर भी हम ये काजल को भरेंगे। जी बिल्कुल, इसकी क्या मतलब है, इसका जो मकसद है वो ये होता है कि आपकी जो लैशेस के छोटे छोटे जरे हैं उनको भी फील कर देंगे तो आपकी आंख इतनी गहरी हो जाएगी, इतनी उसमें गहराई आ जाएगी ब्लैक कलर की एप्लीकेशन के बाद कि वो समंदर की तरह गहरी दिखेगी और आपकी जो आंखें हैं विदाउट लेंस के भी आईबॉल लेंस की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। ऊपर देखिएगा प्लीज, तो ये हमने इसको अच्छे तरीके से मर्ज करते हुए अप्लाई करना है काजल को, आंखें ऊपर देखेंगे, बहुत शुक्रिया आपका, इसको हमने अच्छी तरह से काजल को मैं मर्ज कर रहा हूँ। सेम इस तरीके से इस साइड पे भी हम करेंगे, ऊपर देखेंगे आंखें, बहुत शुक्रिया आपका, ये इसको हमने अच्छी तरह से मर्ज करते काजल को एप्लीकेट करना है, ये आपके सामने, थोड़ा सा आंखें ऊपर देखेंगी। और डबल कैट आईलाइनर, यहां तक का था डबल कैट, जब इतनी डिटेल से आईलाइनर को हम काजल को एप्लीकेट करेंगे तो वो हो जाएगा ग्लैमर, आंखें आपकी ऊपर देखेंगी, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी कोऑपरेशन का बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा फोकस रखा करें कैमरे की जानब ताकि देखने वाले जो घर में बैठी बच्चियां देख रही हैं वो आसानी से देख सकें, एक वो कैमरा है और एक ये कैमरा है, थोड़ा सा ऊपर देखिएगा प्लीज, बहुत शुक्रिया आपका, ये हमने इसको अच्छी तरह से मर्ज करते हुए अप्लाई करना है ताकि इधर देखिएगा थोड़ा सा। और अभी मैं आपको इनर बनाना बताऊंगा कि कैसे इनर बनाया जाता है, थोड़ा सा आप आगे हो जाइएगा यहाँ पे, अब देखने वालों को आसानी से आपकी आंख का क्लोज, ऊपर देखेंगी आंखें यहां से, ये हमने इसको अच्छी तरह से ये अप्लाई कर देना है, ये इनर बना रहा हूं, इसको बोलते हैं इनर, ये हमने इनर की एप्लीकेशन करनी है यहाँ पे। अच्छा, ये आज मैंने आपको बताया सिंपल आईलाइनर की एप्लीकेशन, ऊपर देखिएगा प्लीज यहाँ पे, ये हमारी इनर की ड्राइंग है
और यहां से मेकअप शुरू होता है, लोग इतना लाइनर अप्लाई करके दुल्हन रेडी कर देते हैं। तो आपको आज मैंने डिफरेंट टाइप के आईलाइनर एप्लीकेट करना बताए, इसके बाद इसी आंख को हम इंटरनेशनल ग्लैमर आईज की जानब लेके जाएंगे। उससे पहले हम ड्राइंग करेंगे आईब्रो, इस साइड की आईब्रो को मैंने थोड़ा बनाया, थोड़ा सा इस साइड पे देखिएगा प्लीज। यहाँ पे हमने सबसे पहले आईब्रो बनाने के लिए, ये आप तमाम देखने वालों की डिमांड पे ये काम सिखाया जाता है, ये हमने यहाँ से ये वन एक बिल्कुल डॉट स्ट्रेट एप्लीकेट करना है इस तरह से। और अब इसकी जो ऊपर वाली हार्ड लाइन है ये वाली, यहां से स्ट्रेट ऊपर लेके जाएंगे और यहां से बिल्कुल आई लैशेस की जो लाइन होती है उसमें सिर्फ इसको अप्लाई करेंगे। लोग क्या करते हैं, नीचे वाली यानी कि आंखें क्लोज रखिएगा प्लीज, यहां पे बहुत डाउन कर देते हैं लैशेस को, उससे क्या होता है आंख का स्पेस कम हो जाता है, आंख छोटी हो जाती है, ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं। लेकिन जब भी आपने ओके जी बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक के लिए, जब भी आपने इसको अप्लाई करना है तो सीधा ऊपर की जानब अप्लाई करना है, उससे आंख में स्पेस ज्यादा आएगी। आंखें क्लोज कीजिएगा, ये हिस्से और इस हिस्से में बहुत ज्यादा स्पेस बढ़ जाएगा, उससे आपकी आंख बहुत बड़ी दिखेगी। आपको यहाँ पे टेक्निक बताई जाती है एक एक डिटेल से, ताकि अगले टाइम आप माशरे में चेंज लेके आ सके और हमारे यहाँ लोग काम को पढ़ के समझने की तरफ करने की जानब आ सके। ये हमने इसको अच्छी तरह से मर्ज करते हुए अप्लाई करना है, मर्ज करते हुए ये भी स्किन में मर्ज होगा ब्रश, और अच्छी तरह से कलर को हमने मर्ज करना है। ये हमारा आईब्रो कलर है और इसको हमने अच्छी तरह से मर्ज करते हुए अप्लाई करना है, मर्ज करते करते। और फिर पहले लाइन क्रिएट की है ऊपर वाली ये वाली, अब इसको फिल कर रहा हूं मैं ओके। इसको अच्छी तरह से हमने मर्ज करते हुए अप्लाई करना है, फिर हमने इसको फिल करना है इस डिटेल से। अगर आपको इस पॉइंट की समझ आ रही है तो आप इसको अच्छी तरह पिक करें और नेक्स्ट इसका प्रैक्टिकल करें। बहुत शुक्रिया हमारी जो मॉडल है माशाल्लाह बहुत अच्छे फोकस से, ये भी बहुत बड़ी कोऑपरेशन होती है जो आपके आपसे काम करवाने आता है उससे आपने मुखातब रहना है, ऐसा नहीं कि वो ख्याल। आप इधर देखिएगा प्लीज, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये एक बहुत बड़ी डिटेल है, ये मैं आपको ये पॉइंट को मैंने ये इसको यहां से आर्च क्रिएट करनी है। ये देखें इसका रुख मैंने एप्लीकेटेड का ऐसे कर दिया और यहाँ पे मैंने ये आर्च क्रिएट कर दी इस तरह से। अब इस आर्च को मैं फिल करूंगा। रमजान सर मैंने क्वेश्चन पूछना है। जी जी पूछे, बिल्कुल पूछे। ऊपर आपने आर्च बनाया, नीचे जो है वो क्या नीचे से भी आईब्रो के जो है जी, वो बिल्कुल, आर्च बनाना? हाँ बिल्कुल, बहुत आपने टेक्निकल सवाल पूछा। यहाँ पे ऑलरेडी बाल जो हमने निकाले थे वो आर्च बना हुआ है ओके। अब ऊपर जो आर्च बनाना, पहले भी मैंने बताया जो ऊपर आर्च बनाना है उसका मकसद ये होता है कि आपकी आंख में मजीद स्पेस बढ़ सके ओके, तो आपकी आंख बहुत बड़ी दिखेगी इससे जी। अच्छा कुछ नीचे वाली आर्च जो होती है वो थोड़ी पहले बना देते हैं, आपका मैंने देखा थोड़ी बाद में, मतलब जहां से ऊपर की आर्च बन रही है उसके बाद से आर्च बन रही है जी बिल्कुल। यहाँ पे हम मेकअप क्या है, नेचुरल फीचर्स को फॉलो करना, थोड़ा सामने देखिएगा। हमेशा क्या होता है, यहाँ पे एक हड्डी है उस फीचर को फॉलो करते हुए यहाँ पे आर्च बनाई जाती है, यहाँ पे कंटोरिंग की हड्डी होती है, यहाँ पे चिन की हड्डी होती है। ये मेकअप का रूल है, नेचुरल फीचर्स को फॉलो करते जाएं तो मेकअप बेस्ट होगा, यहाँ हम नेचुरल फीचर्स के मुखालफ मेकअप करते हैं। तो इस हड्डी के ऊपर हमने आर्च बनानी होती है यहाँ पे, इसको हमने अच्छी तरह से फिल कर दिया और ये इसको हमने साथ साथ मर्ज करना। ऊपर देखेंगे प्लीज, बहुत शुक्रिया आपका। और सब्जेक्ट से मुखातब रहना है, कहाँ पे आपको दिखाना है कहाँ पे नहीं दिखाना, इसको हमने अच्छी तरह से मर्ज करना है, मर्ज करना है। अभी हमें चाहिए होगा स्टिक ब्रश, स्टिक ब्रश से हमने जो ड्राइंग बनाई होती है उसको हमने इन्हेंस करना होता है। इसको हमने अच्छी तरह से मर्ज किया, मर्ज किया, मर्ज करने के बाद फिल कर रहे हैं। ये अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ये फिल कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट डिटेल से आपको बताया जा रहा है। देखने वाले जितने भी आप फीडबैक लाजमी पहुंचाया करें, रोज न्यूज के फॉरम से स्टार स्टाइलिश आर्ट इंस्टीट्यूट की ये सबसे बड़ी एफर्ट है कि आपको रियल हुनर की जानब लाया जाए, काम को पढ़ के समझ के प्रैक्टिकल करने की जानब आओगे तो हमारी नेशन में चेंज आएगा। इसकी प्रॉपर यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, कॉलेजेस होने चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में इसको एक प्रॉपर आप सामने देखिएगा प्लीज, बहुत शुक्रिया। कैमरे आप पे क्लोज पे होता है, देखने वाली आपकी आंखों को देखना चाह रहे होते हैं, आप थोड़ा सा टाइम हमारे साथ कोऑपरेशन रखेंगी। इसको हमने ये अच्छी तरह से ये यहां से हमने इसको क्या करना है, इनहेंस कर देना है ये यहां से। हमारी रोज की टीम की तमाम टीम बहुत बड़ी एफर्ट कर रही होती है, हमारे एक कैमरामैन भाई साहब आपकी आंखों के क्लोज पे आते हैं ताकि देखने वाले जो बच्चियां घर बैठी हुई हैं वो अच्छी तरह आपका आईलाइनर फॉलो कर सके और नेक्स्ट एप्लीकेट कर सके। बहुत शुक्रिया। घर में बैठे हुए वो अक्सर जो लेडीज हैं या गर्ल्स हैं वो ये अक्सर उनके माइंड में होता है कि आईब्रो थोड़ा डार्क लगेंगे या लाइट होंगे, ये काइंडली बता। अच्छा ये भी आपने बड़ी अच्छी बात पूछी, जितनी आईब्रो
थिक होंगी उतनी आप मासूम दिखेंगी, और जितनी आईब्रो पतली बनती हैं उतनी आपकी लुक तेज और चलतर दिखती है। तो जब भी आप आईब्रो बनाएं, आईब्रो हम बनाएं, हाँ आईब्रो थिक रखें हमेशा, कभी भी बहुत पतली आईब्रो मत बनवाएं, ना अपने बालों को निकलवा दें, थोड़ी सी थिक रखें लेकिन नेचुरल होनी चाहिए। थोड़ा सा इधर देखिएगा प्लीज। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप सबका भी। आप तमाम स्टूडेंट अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे और नेक्स्ट टाइम जो भी काम करोगे तो उसमें हमारे मुल्क में चेंज आएगा। आज आप चेंज होंगे, कल कोई और चेंज होगा, ऐसे होते होते करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमें 0512331678 पे, और सर रमजान से बात कर सकते हैं और इनसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मेकअप से रिलेटेड, मेकअप शो विद एम रमजान में। बिल्कुल, अभी सर, अभी आप नेक्स्ट क्या करेंगे? अभी हम कर रहे हैं आईब्रो को प्रॉपर ड्राइंग करना बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स में खासतौर पर इंडिया से माही भरद्वाज, उन्होंने बोला था कि आई की डिटेल बताएं। तो उनके कहने पे माही गिल हमारी जो है ये यूएई से, उन्होंने बोला उसके अलावा डिफरेंट बारे में बता दें ये कौन है। ये मेकअप आर्टिस्ट है इंडिया की, न्यू दिल्ली से और बंबई से और इस तरह डिफरेंट कंट्री से जो लोग फीडबैक पहुंचाते हैं। मैंने बहुत सुना है कि आपके हॉलीवुड में भी बहुत ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट आपके फैन है सर। बिल्कुल जी, फ्रेंड्स है वो मेरे और सोशल मीडिया के जरिए उनसे लिंक्ड होते हैं हम लोग। ये इसको हमने अच्छी तरह से मर्ज करते हुए अप्लाई करना है आईब्रो को, आईब्रो की प्रॉपर हमने ड्राइंग बनानी है। ये आपके सामने ड्राइंग बनाई जा रही है और फिर उसके बाद में हाइलाइटर की तरतीब बताऊंगा कि कैसे हाइलाइटर एप्लीकेट किया जाता है और किस तरह से आप इसको बना सकते हैं हाइलाइटर को। हाइलाइटर चाहिए होगा, आई शेडो चाहिए होगा, हाइलाइटर ब्रश चाहिए होगा, ब्रशेस के नाम आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा आप ऊपर देखिएगा प्लीज, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको ब्रशेस के नाम पता होने चाहिए, उसकी टेक्निक एप्लीकेशन की पता होनी चाहिए। आईब्रो को हमने अच्छी तरह से ड्राइंग किया, थोड़ा सा आप सामने देखिएगा, हाँ के ऊपर डाल के, थैंक यू वेरी मच। ये आपका बहुत शुक्रिया, लाइनर जो बनाना सिखाया है ये मुझे बता दे, जो ईस्टर्न ब्राइडल अगर हम बनाते हैं तो क्या उसमें भी ये लाइनर यूज हो सकता है, उसके बारे में मुझे सामने। अच्छा, अभी तक जो मैंने आई लाइनर एप्लीकेट किया, मैं बहुत डिटेल बात बता दूं, ये हमारा सबसे पहले मैंने लाइटर आई लाइनर एप्लीकेट किया, उसके बाद मैंने यहाँ से हल्का सा मीडियम कैट बनाया, उसके बाद मैंने इसको लॉन्ग कैट कर दिया, ऊपर देखिएगा, फिर मैंने इसको डबल कैट कर दिया। डबल कैट कौन सा होता है, जो नीचे वाली लैशेस पे भी अप्लाई कर देते हैं उसको बोलते हैं डबल कैट। फिर मैंने इसको ग्लैमर कैट कर दिया। ग्लैमर का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा भरी हुई आंखें जो है, ऊपर देखिएगा, ये आप देखें आई लैशेज में भी काजल को जो मैंने फिल किया, आंखें ऊपर देखेंगी, ये देखें ये जो मैंने फिल किया, इसको कहते हैं ग्लैमर कैट आई मेकअप। और अभी हमने ये सिंपल आईलाइनर एप्लीकेट किया, आंखें क्लोज कीजिएगा, कोई आई शेडो मैंने एप्लीकेट नहीं किया। आज बेसिकली मैं आपको सिखाना चाह रहा था आईलाइनर, लेकिन बहुत से लोग इतना आईलाइनर लगा के दुल्हन रेडी करते हैं, वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है। अभी थोड़ी ही देर में मैं इसी मेकअप को इंटरनेशनल प्रोफेशनल आई मेकअप की जानब लेके जाऊंगा, वो भी आप देखेंगे। उससे पहले हम कंटोरिंग और लिपस्टिक भी अप्लाई करेंगे और ये तमाम डिटेल, हमारा मकसद ये विजन क्लियर हो सके कि काम है क्या, काम करना कैसे है। यहाँ पे जिसका दिल कर रहा है वो करी जा रहा है, कुछ भी करता जा रहा है, तो हमारी कोशिश है रियल टेक्निक पहुंचाई जाए। तो हमारी जो असिस्ट करते हैं अल्लाह पाक, इनको भी बहुत ज्यादा फोकस्ड होना पड़ता है काम में, सिंसियरिटी तवज्जो, एक्स्ट्रा तवज्जो से कामयाबी मिलती है। जितनी घर बैठी बच्चियां आप याद रखें, पहले आपको एक्स्ट्रा तवज्जो किसी भी एम पे रखनी है, फिर आपको कामयाबी मिलेगी। अभी हमें चाहिए होगा कंटोरिंग ब्रश चाहिए होगा। स्टाइलिश आर्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशंस ओपन हैं, आप नीचे नंबर्स चल रहे हैं इन पे कॉल कर सकते हैं और 15% ऑफ चल रही है, और आप सर रमजान से काम सीख सकते हैं। जैसे अभी आप काम सर रमजान का देख रहे हैं, इससे भी ज्यादा डिफरेंट हमारे जो शोज हो चुके हैं, डिफरेंट मेकअप उन्होंने, डिफरेंट स्टाइलिंग भी सिखाई है। तो अभी हम सर की तरफ से जुड़ा हमारा, हम जब स्टाइलिंग पे आते हैं तो प्रॉपर डिटेल स्टाइलिंग भी सिखाते हैं, इसको मजबूती से पकड़ें। अच्छा, जब हम आपको स्टाइलिंग सिखा रहे होते हैं तो एक एक टेक्निक उसकी सिखाते हैं। आज ये हमारा मैसी जुड़ा है नेचुरल हेयर पे स्टाइलिंग करना, और ये पफ जो हमने ये प्राउड पफ बनाया, जो पफ ऊपर की जानब होता है इस तरह से, उसको प्राउड पफ बोलते हैं। और ये कर्ली हेयर स्टाइलिंग जी वो यूनिक लग रही है जी, बिल्कुल। इसको मैसी हॉलीवुड में ये लोग जुड़ा ज्यादातर ऐसा बनाते हैं, पाकिस्तानी लोग जो जुड़ा बनाते हैं खेचे हुए जुड़े, वो कभी भी प्रोफेशनल लुक नहीं देते। तो हमेशा ग्रूम करो, ग्रूम करो, ग्रूम करो। अच्छा, अभी हम आते हैं हाइलाइटर की जानब। अब मैं आपको इस आई मेकअप को चेंज करते हुए बताने जा रहा हूं कि कैसे ये आई मेकअप चेंज होगा। थोड़ा सा आंखें सामने देखेंगी, आंखें क्लोज होंगी, बहुत शुक्रिया आपका, और आंखें क्लोज हो जाएंगी। ये मैंने इसको अप्लाई किया हाइलाइटर,
ये अच्छी तरह से हमने इसको हाईलाइटर एप्लीकेट करना है, हाईलाइटर एप्लीकेट करना है। बेसिकली मैं हमारी अपनी आवाम का जो माइंड है वो क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये आई मेकअप कौन सा है और प्रोफेशनल आई मेकअप कौन सा है। आंखें क्लोज रखिएगा प्लीज। ये हाईलाइटर से ही हमने आई शेडो बना दिया। अच्छी तरह से हम इसको मर्ज करेंगे, मर्ज करेंगे, मर्ज करेंगे और पत्ता वाला एप्लीकेटेड होगा। बहुत शुक्रिया मॉडल हमारी जो माशाल्लाह बहुत ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए। हमें हाईलाइटर की कितनी जगह होनी चाहिए, कितनी स्पेस होनी जहां पे जो है सिर्फ हाईलाइटर। अच्छा, पहले मैंने हाईलाइटर सिर्फ यहाँ पे होगा, सिर्फ हमारी हड्डी पे हाईलाइटर होगा, कहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन अभी मैं इसी हाईलाइटर को हाई शेडो भी बनाने जा रहा हूँ। असल में मैं राइट और रॉन्ग दोनों तरीके आज प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। इसके फिर हमें बता देना फिर राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है। इसके इस तरह से है, आंखें क्लोज कीजिएगा। ये मैंने हाइलाइटर को ही आई शेडो बना दिया। जो मैं आई शेडो बना रहा हूँ ये प्रोफेशनल तरीका नहीं होता। इसके बाद मैं आईलाइनर को मर्ज कर दूंगा आई शेडो में और किसी भी शेडो की लाइन को खत्म कर दूंगा, वो प्रोफेशनल तरीका होगा। तो अभी तक लेकिन हमारे तमाम स्टूडेंट को पता होना चाहिए कौन से मेकअप का नाम और काम क्या है। तो इस तरह से हम इसको एप्लीकेट करेंगे। ये द कलर ऑफ शीक आई शेडो है, हाईलाइटर आई शेडो है। आंखें क्लोज रखिएगा प्लीज। और ये हमने इसको अच्छी तरह से आईलाइनर के पास पास भी इसको मैंने मर्ज कर दिया। और ये बहुत ईजी वे होता है काम को करने का। और इतना काम करके अगर आप किसी को ब्राइडल बना के भेज रहे हैं तो फिर आप जाने और वो ब्राइडल जाने। बहुत शुक्रिया आपका मॉडल। इसको हमने अच्छी तरह से मर्ज करते हुए अप्लाई करना है। कहते हैं ना कि वो आधे घंटे में एक ब्राइडल तैयार कर देते हैं। आधे घंटे में वो ये ब्राइडल होती है जो मैंने आपको अभी कर दी। और असल जो असल ग्लैमर मेकअप होते हैं ना, टेक्निकल गेटअप करेक्टर मेकअप, वो तो बहुत आगे होते हैं। ये आपके सामने आईज का क्लोज, ये देखिए आंखें क्लोज रखिएगा। ये आपके सामने मैंने बने हुए आई लाइनर पे आई शेडो अप्लाई कर दिया। ऊपर देखिएगा प्लीज ये लुक, ठीक है। अब हम इसको दूसरी साइड पे भी एप्लीकेट करेंगे आई शेडो को। हमारा ये द कलर ऑफ शी का ये शाइनी शेडो मैं यूज कर रहा हूँ आई मेकअप में अभी। थोड़ा सा आप इस साइड पे देखिएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया। नंबर बता दें, नंबर बता दें। इसका नंबर है 0022। गोल्डन आई शेडो है ये और इसको हमने अप्लाई करना है आंखों आई बॉल से शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं हाईलाइटर का तरीका बता दूं। ये हाईलाइटर प्रोफेशनल हाईलाइटर सिर्फ इधर होता है, लुक ये मैं रुका, ये प्रोफेशनल हाईलाइटर है। अच्छा, इतना होता है। अब इसको मैं रॉन्ग वे में लेके जाता हूँ। रॉन्ग वे क्या कौन सा होता है? अब इसी हाईलाइटर को मैं लेके जाता हूँ, इसी हाईलाइटर को जब आप पूरी हड्डी पे कर देते हैं, इसको कहते हैं पूरी हड्डी, ये जो होती है ये रॉन्ग तरीका है। इससे क्या होता है, आपकी जो आंख है वो दब जाती है, ऊपर पूरी रोशनी नजर आती है, जैसे हमारी ये लाइट्स लगी हैं रोज न्यूज की खूबसूरत लाइट्स, ऐसे ऊपर से लाइट आएंगी यहां से तो आंख को बंद कर देंगी। क्लियर, आपको पॉइंट क्लियर हो चुका। ये हमने इसको अच्छी तरह से ये अप्लाई कर देना है ये आई शेडो को। ये हमने अब उसी हाईलाइटर को मैं आई शेडो बना रहा हूँ, उसी हाईलाइटर को मैं आई शेडो बना रहा हूँ। आपको रियल टेक्निक की जानब लेके आ रहा हूँ कि रियल हुनर की जानब आओ। थोड़ी देर बाद हम इस सब को मर्ज कर देंगे, असल आई मेकअप प्रोफेशनल इंटरनेशनल ग्लैमर आई मेकअप की जानब आ जाएंगे। आंखें क्लोज रखिएगा प्लीज। और आज आपको ब्लश ऑन भी प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, कंटोरिंग भी और लिपस्टिक भी। आज मैंने सिर्फ आउटलाइन बनाई हुई है, इसको मैंने प्रोफेशनल तरीका भी बना के दिखाना है। दोनों चीजें, आज का शो बहुत डिफरेंट है। आज का शो आपको राइट और रॉन्ग दोनों काम प्रैक्टिकल करके दिखाए जा रहे हैं ताकि आपका विजन क्लियर हो सके और हमारी कॉम प्रोफेशनल काम की जानब आ सके। इसको हमने अच्छी तरह से मर्ज करना है जी। बहुत अच्छा है जी, माशाल्लाह बहुत जल्दी और बहुत टाइम पे। कैपिटल सिटी इस्लामाबाद सिटी से आप लोग शो देख रहे होते हैं, कराची से बहुत से लोग फॉरन कॉल कर रहे होते हैं, तो आपको बता दें ये इस्लामाबाद सिटी से अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत बड़ी बात होती है। और ये स्टूडेंट तमाम आंखें क्लोज रखिएगा प्लीज। ये हमने इसको अच्छी तरह से मर्ज करते हुए अप्लाई करना है, मर्ज करते जाएंगे। ये आपके सामने सिंपल वन शेडो इसको बोलते हैं, इसको सिंपल वन शेडो गोल्डन आई मेकअप बोलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मॉडल। थोड़ा सा ऊपर देखेंगे आप, आपकी कोऑपरेशन का बहुत शुक्रिया। 40 मिनट हमारे पास होंगे, आंखें बंद रखेंगे आप। थैंक यू वेरी मच। ये हमने इसको अच्छी तरह से डेप्थ का मुझे बता दें, जो डेप्थ होती है आई मेकअप जी। मैं डेप्थ पे आता हूँ। आपने बहुत बड़ी बात पूछी, वो इंटरनेशनल ग्लैमर मेकअप में होते हैं। जितने ये वन शेडो वाले लोग हैं वो कभी भी डेप्थ हाईलाइटर इनर कॉर्नर उन डिटेल्स में मर्जिंग में नहीं जाते। मोस्टली जो है ना वो डिफरेंट उनकी जगह होती है, कोई कहां पे आई डेप्थ बना रहे हो, कोई कहां पे। सही तरीका आज बताया जाएगा। अभी इसी के साथ हमारा वन शेडो कंप्लीट, ये आपके सामने इसे बोलते हैं वन शेडो आई मेकअप विद डबल कैट ग्लैमर आई लाइनर। आंखें ऊपर देखेंगे, बहुत शुक्रिया। अब हम यहां से आंखों को चेंज करने की जानब आएंगे।
कि किस तरह से हम प्रोफेशनल आई मेकअप की जानब जाते हैं. थोड़ा सा इधर देखिएगा. अच्छा, अब आपको मैं एक और टेक्निक बताता चलो. आईब्रो ब्रश चाहिए होगा. आईब्रो ब्रश हमने करना है आईब्रो में, जो भी हल्का फुल्का हाइलाइटर का जर्रा अप्लाई हुआ हुआ है वो क्लीन हो सके. इस तरह से हमने आईब्रो ब्रश की एप्लीकेशन करनी है अच्छी तरह से मर्ज करते हुए. और हमेशा रियल टेक्निक सीखो, हमेशा रियल टेक्निक सीखो. बहुत शुक्रिया आपका. थोड़ा सा आप ऊपर देखेंगी, थैंक यू वेरी मच. और इसको हमने अच्छी तरह से मर्ज कर दिया. मर्ज करने के बाद पहले मैं आपको कंटूरिंग बताऊंगा, फिर ब्लश ऑन, फिर लिपस्टिक, और फिर हम ग्लैमर आई मेकअप की जानब आ जाएंगे, जो इंटरनेशनल ग्लैमर आई मेकअप वर्ल्ड क्लास हॉलीवुड बॉलीवुड के जितने रियल वन स्टार लोग हैं वो वाला मेकअप करते हैं. और जितने माशाल्लाह सुभान अल्लाह वो वन शेडो किया, सीधे सीधे लाइनर लगाए, लाइनें लाल पीली नीली खट्टी और चलता रहता है निज़ाम. अभी हम शुरू करते हैं जी कंटूरिंग की एप्लीकेशन. और कंटूरिंग की एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले हमें आज हमने जो इधर दिखाइएगा प्लीज, इसका हम द कलर ऑफ शी का हाईलाइटर भी अप्लाई करेंगे और ब्लश ऑन भी अप्लाई करेंगे. ये दोनों तरतीब आपको बताई जाएगी. और ये हमारा सिंपल ब्राउन कलर है, इसकी हमने कंटूरिंग करनी है. सामने देखिएगा प्लीज, थोड़ा सा सामने दिखेगा, थोड़ा सा आप पीछे हो जाएगा, थोड़ा सा इस साइड पर दिखेगा. करना बता रहे हैं आज मैं जो फेस कट सिखाने जा रहा हूँ वो प्राउड फेस कट है. और आज मैं एक ही फेस कट सिखाऊंगा, क्योंकि आज हम बाकी चीजों पे फोकस्ड ज्यादा रहेंगे आई मेकअप पे. तो इसके बाद हमें ग्लैमर आई मेकअप की जानब आना है. ये देखें, जब भी आपने कंटूरिंग करनी है यहाँ पे आपकी एक नेचुरल हड्डी होती है. ये हर इंसान की जहां पे हड्डी होगी आंखें आपके ऊपर देखेंगी. बहुत शुक्रिया आपका माशाल्लाह. ये हम देखें, ये आपको ये अच्छी तरह से हमने मर्ज करना है. ये देखें आपके सामने, ये अच्छी तरह से ये मैंने मर्ज किया. यहां पे इतने हिस्से पे हड्डी, आई की हड्डी इसको बोलते हैं, उसके ऊपर हम इसको मर्ज करते हुए अप्लाई करेंगे. अच्छी तरह से मर्ज करेंगे. जितना अच्छा मर्ज होगा ब्रश, उतना यह खूबसूरत हमारी कंटूरिंग बनेगी आपके सामने. अभी हमने इसी के ऊपर ब्लश ऑन अप्लाई कर देना है बेबी पिंक स्किन टोन का. ये आपके सामने ये बेबी पिंक स्किन टोन ऊपर दिखाइएगा प्लीज. ये इसको हमने उसी कंटूरिंग के ऊपर कैसे ये हमने कंटूर किया, आंखें ऊपर देखेंगी, ये हमने कंटूर किया और इसकी ऊपर हमने ये यहाँ पे ब्लश ऑन अप्लाई कर देना है. इसके ऊपर हमने इसको अच्छी तरह से मर्ज कर देना है. स्माइल कीजिएगा प्लीज, बहुत शुक्रिया. अच्छा, जो ब्लश ऑन यहाँ नहीं आता उसको प्राउड ब्लश ऑन बोलते हैं. आज हम बिल्कुल भी चीक्स पे ब्लश ऑन नहीं लेके जाएंगे. बहुत शुक्रिया जी आपका. इसको ऊपर देखेंगी आंखें, ये हमने इसको अच्छी तरह से मर्ज करते जाना है. जितनी अच्छी मर्जिंग होगी आंखें ऊपर देखेंगी, जितनी अच्छी मर्जिंग होगी उतना हमारा ब्लश ऑन खूबसूरत दिखेगा. अभी मैं आपको फेस कट बना के दिखाऊंगा हमारा जो आज का फेस कट है. इस तरह के फेसेस के ऊपर जो है इस तरह की कंटूरिंग और ब्लशन हम कर सकते हैं प्राउड. अच्छा, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है. किसी भी फेस को गेटअप करेक्टर मेकअप आर्टिस्ट वो होते हैं जो किसी भी फेस को चेंज बना देते हैं. यानी फेस पतला है वो आपको बड़ा दिखाना है तो आपका जो आप प्लीज इधर देखें मोबाइल आजकल माशाल्लाह सोशल मीडिया हमारी कॉम को ऑलरेडी लेके बैठ चुका है. अच्छा, बहुत ज्यादा आपको कंटूरिंग पे फोकस होना चाहिए कि कंटूरिंग फिर आप बाहर भी चले जाएं. ये माशाल्लाह जर्मन जाना है इन्होंने, तो जर्मन जाके गोरे जो है वो ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोफेशनल है, तो आपको इस चीज को फोकस रखना चाहिए. अच्छा, ये देखें यहां से हमने क्या करना है, इस जगह पे हमने अप्लाई करना है इसको कंटूरिंग कलर को. तो आपने सवाल पूछा था किसी भी फेस को आप चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है, मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर होता है फेस को बड़ा दिखाना या छोटा दिखाना. उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि मोटा फेस हो या छोटा फेस. हाँ, जो कहता है मैं नहीं दिखा सकता वो एक्सक्यूजेस पेश करेगा. और काम में कभी भी प्रोफेशनल काम में एक्सक्यूजेस नहीं है. ये हमने कंटूरिंग कलर की एप्लीकेशन करनी है ब्राउन कलर की, ये आपके सामने. अच्छा, ये हड्डी के ऊपर ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसको प्राउड फेस कट बोलते हैं. अच्छा, आपने जो सवाल पूछा मैं थोड़ा मजीद क्लियर कर दूंगा. जो आज पहली दफा शो देख रहे हैं स्टूडेंट्स उनको भी ताकि क्लियर हो जाएगा. अच्छा, एक ही फेस में मैं दो फेस बनाने जा रहा हूँ. फेस एक है लेकिन उसी पर मैं दो फेस कट बना के बता देता हूँ कि कैसे आप मेकअप आर्टिस्ट ने इसको चेंज करना होता है. अच्छा, आपके सामने देखिएगा प्लीज, बहुत शुक्रिया आपका. यहां से लेकर यहां तक जो फेस नजर आ रहा है इसको प्राउड फेस कट बोलते हैं. इसी फेस कट को मैं चेंज करके बेबी बना दूंगा. तो साबित यह हुआ कि जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको पता होना चाहिए कि कौन सा फेस बेबी है कौन सा प्राउड है. यहां पे पता नहीं है, कंटूरिंग डेप्थ कंटूरिंग भी नहीं करते और काम कर ही जा रहे हैं. तो हमारी कॉम में अवेयरनेस आनी चाहिए, हमने आवाज उठानी है अपनी जानब से नेक्स्ट ताकि चेंज आ सके. स्माइल कीजिएगा प्लीज. अच्छा, ये आपके सामने सेम फेस बेबी बन जाएगा और छोटा दिख जाएगा कि
कैमरे की नजर सबसे बड़ी जज होती है. स्माइल कीजिएगा प्लीज. बहुत शुक्रिया आपका. ऊपर देखेंगे आंखें, ये आपके सामने ये बेबी लुक बन गई. इसको हम जब बारबी डॉल स्टाइलिंग बनाते हैं बेबी लुक में, उसमें बेबी लुक ज्यादातर बनती है. स्माइल कीजिएगा, ये बेबी बन गई. आंखें ऊपर देखेंगे, बहुत शुक्रिया आपका. और ये देखें, ये यहां से भी मैंने इसको कट कर दिया, ये बन गया बेबी फेस कट. अब आपका इसका कंपेरिजन कर सकते हैं. हमेशा काम को पढ़ के समझ के जब आप करेंगे प्रैक्टिकल, तो अपना एहतसाब करेंगे, फिर आपके लिए आसानियां पैदा होंगी और फिर आपको प्रॉपर डिलीवर भी करेंगे. यहाँ लोगों को अपने काम पे एक से दो वर्ड नहीं बोलना आता, और जो अपने काम पे जिसको बोलना नहीं आता वो करता क्या होगा. बस फिर ये आप जानते हैं सब लोग. ये हमने इसको अच्छी तरह से ये अप्लाई कर दिया कंटोरिंग कलर को, और इसको हमने अच्छी तरह से मर्ज कर दिया. लुक सामने देखेंगे, यहाँ के ओपन कीजिएगा. इस फेस कट को आप नोट कर सकते हैं, ये आपका फेस कट. ये पहले प्राउड किया था, अब बेबी हो गया. तो इस चीज को आप देख लें. अब मैं दूसरी साइड पे आता हूँ. अब इधर आप नोट कर सकते हैं के बारे में सर, बता, इनके नोज थोड़ा छोटा है जी, बिल्कुल. नोज कंटोरिंग की डिटेल भी बताई जाएगी. पहले मैं ब्लश ऑन कंप्लीट करता चलूं, उसके बाद क्योंकि हमने ग्लैमर आई मेकअप भी करना है, मेन फोकस्ड आज हमने आई पे रखना है. लेकिन उसके बावजूद मैंने डबल ब्लश ऑन आप तक पहुंचाया. कोशिश यही कि आप लोग रियल हुनर की जानिब आएं. ये मैंने ब्राउन कलर अप्लाई किया, कंटोरिंग कलर थोड़ा सा आप इधर देखिएगा. थैंक यू वेरी मच. और ये हमने यहाँ कान के पास रखना है, अप्लाई करना है कलर को. कहाँ पे? कान के पास. लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग इधर अप्लाई कर देते हैं, वो रॉन्ग तरीका है. Okay. जो भी बात आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में इवन गूगल पे भी चैलेंज है. आपको रियल टेक्निक बताई जाती है काम की. ये देखें, कान के पास डार्क होगा, जैसे जैसे चीक्स की जानब आएगा लाइटर होता जाएगा. ओके okay? ऊपर देखिएगा प्लीज. ये मैंने कंटोरिंग कलर, ब्राउन कंटोरिंग कलर को एप्लीकेट किया, ये अच्छी तरह से हमने इसको अप्लाई किया. अब हमने इसी के ऊपर इसी ब्रश से भी ब्लश ऑन अप्लाई कर सकते हैं, और अभी मैं इसी के साथ ब्लश ऑन अप्लाई करूंगा पिंक कलर का. स्माइल कीजिएगा प्लीज. अभी सेम तरतीब आपको इस साइड पे भी देखने को मिलेगी. जितने देखने वाले हैं अपने माइंड में इसको बैठा लें और रियल टेक्निक की जानब आएं. और खुदा रहा हमारे मुल्क में कोई ना कोई ऐसे अदारे तो बन जाएं जो 70 सालों में नहीं बने, कि इसको प्रॉपर पढ़ाएं, कि इतना बड़ा ये नॉलेज है, इसको पढ़ के समझ के प्रैक्टिकल करें. बहुत शुक्रिया. अच्छा, ये हमने इसको प्राउड ब्लशन अप्लाई किया, ये आपके सामने. अभी हम इसी को चेंज करने जा रहे हैं, बेबी बनाने जा रहे हैं. स्माइल कीजिएगा प्लीज. यहाँ पे जो अप्लाई कर देंगे वो बेबी लुक हो जाएगी. स्माइल कीजिएगा. आपका सवाल मैंने बहुत ज्यादा क्लियर करके डिफाइन करके बता दिया. अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, थोड़ी सी हमें ब्रेक दें, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक मेकअप शो विद एम रमजान. हमारे साथ हमारी मॉडल मौजूद हैं तूबा. तूबा और इनकी वालदा देख रही हैं, आप देख लें. बिल्कुल जी, उनको भी दुआ और सलाम. आप भी बोल सकती हैं जी, उनको सलाम बोल सकती हैं. ये बहुत बड़ी एक कोशिश होती है माँ बाप की, बहुत खुशी की. आप कॉल कर सकते हैं, मैं नंबर बता दी 051-233-1678 पे आप कॉल कर सकते हैं और सर रमजान से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं मेकअप से रिलेटेड. और अभी सर से हम मेकअप आर्टिस्ट मोहम्मद रमजान से पूछते हैं कि अभी वो हमें क्या सिखाएंगे. जी बिल्कुल जी, अभी हम लिपस्टिक की एप्लीकेशन करेंगे, और लिपस्टिक की एप्लीकेशन के बाद कुछ सवाल हो जाएंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे ग्लैमर आई मेकअप की जानब आ जाए. तो हमारी कोशिश होगी कि सही टेक्निक देखने वालों को पहुंचाई जाए, और आज तमाम स्टूडेंट भी जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं, और यही सिखाना हमारा मकसद है. तो इस चीज को आप देखें. अब आप अभी हम लिपस्टिक की. हेलो हेलो हेलो, कौन है आप? कौन है आप? प्रोग्राम चल रहा है मेकअप शो विद एम रमजान. कहां के मेकअप आर्टिस्ट हैं? कराची में मेकअप. तो इधर क्या कर रहे भाई? हेलो हेलो, कहां से आ गए हैं? कहां से सीखा आपने? ये आपने क्या हुलिया बनाया हुआ है? ये मैं मेकअप आर्टिस्ट हूं, आपको मेरे हुलिया से नहीं नजर आ. भाई आपने कहां से सीखा काम? मैंने अपने मामा से सीखा. ओह माय गॉड, मामा ने कहां से सीखा? मामा ने खुद ही अपने मामा से सीखा. ओह माय गॉड, ये तो हालात हैं हमारे मुल्क के, इसीलिए आपने वहां हजार हजार की दिहाड़ी बना दी. और बैठे प्लीज, इधर बैठे हैं, काम सीखे सही वाला. और खुदा के लिए सही टेक्निक सीखें, असल हुनर सीखें, इन चीजों से कुछ भी नहीं मिलना, रियल हुनर की जानब आए. तो आप सब एग्री करते हैं इस बात से? तो सही काम की जानब आए. तो ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए, मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए क्या खुद अपने ऊपर मेकअप करना जरूरी होता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये एक बहुत ज्यादा हमारे यहाँ इस चीज को अनप्रोफेशनल लोगों ने खराब कर दिया है, कि कुछ कोई भी उठ के, मैं ये नहीं कह रहा काम करो, चाहे कोई भी काम करे, लेकिन सही टेक्निक के साथ काम करे. यहाँ लड़के भी बन गए वही, और ये गलत तरीका है. सही टेक्निक के साथ काम.
को पढ़ के समझ के फिर प्रैक्टिकल करें तो अच्छा होगा. हम वापस आते हैं लिपस्टिक की जानब और ये तो हालात वहाँ के चल रहे हैं ऑलरेडी इस पूरे मुल्क में. सामने देखिएगा प्लीज, बहुत शुक्रिया आपका. अभी हमने लिपस्टिक की आउटलाइन शुरू से ही बना ली थी क्योंकि हमारी कोशिश थी ब्राउन लिप ग्लॉस चाहिए होगा या हमने इसको अच्छी तरह से अप्लाई करना है लिपस्टिक ब्रश की मदद से. हल्की सी स्माइल रखिएगा, जब आप सब्जेक्ट को हल्की सी स्माइल का बोलेंगे तो आपकी आउटलाइन बहुत क्लियर हो जाएगी. आप इधर देखें प्लीज, बहुत शुक्रिया आपका. और बहुत से सरकारी अदारों में एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, बच्चियां 10-10 साल सरकारी अदारों में जाती हैं और जीरो सीख पाती हैं. घर में आती हैं, घर वाले पूछते हैं बेटा क्या सीखा है, उसको अपनी डेजिग्नेशन तक पता नहीं होती कि मैं ब्यूटिशियन हूं, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूं, मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूं, मैं हेयर कट स्पेशलिस्ट हूं, मैं गेटअप करेक्टर मेकअप आर्टिस्ट हूं. तो हमारी कोशिश ये है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, साला साल लगाते हैं लेकिन वो कोई भी काम प्रॉपर सीख नहीं पाती. तो हम यही कोशिश कर रहे हैं, जितने देखने वाले हैं आप भी इस चीज को फॉलो करें, आवाज उठाएं इस चीज पे कि इसकी एजुकेशन है, इसके कॉलेजेस बने, इसके सरकारी सतह पे यूनिवर्सिटीज बने, फिर उसमें प्रॉपर डिप्लोमे जारी हो. स्टार स्टाइलिश आर्ट इंस्टीट्यूट, कैपिटल सिटी, इस्लामाबाद, ये तमाम कोर्सेज करवा रहे हैं. हमारी कोशिश यही है कि आप तमाम तक सही हुनर पहुंचाया जाए. तो इसको हमने लिपस्टिक की जी बिल्कुल स्टार स्टाइलिश आर्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स ओपन है और आप कॉल कर सकते हैं, उनके नंबर्स भी चल रहे हैं और लाइव कॉल भी कर सकते हैं सर रमजान से. कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हम मेकअप से रिलेटेड आपने लेनी है तो भी आप ले सकते हैं. और सर लिपस्टिक जी बिल्कुल, हाँ लिपस्टिक का भी बताएंगे. अभी कुछ देर पहले कॉल आई थी, ये जूड़ा मैसी जूड़ा आपको वर्ल्ड क्लास जूड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा सून, और डिफरेंट टाइप की ब्लो ड्राई की स्टाइलिंग भी आप तक पहुंचाई जाएगी प्रैक्टिकल करके. आपको एक एक टेक्निक बताई जाएगी कि कैसे हमने वेव बनाए नेचुरल बालों में, कैसे हमने प्राउड पफ बनाए, सब कुछ सिखाएंगे. थोड़ा वेट करें, आज फोकस रखें मेकअप पे. बहुत शुक्रिया आपका जी. इधर देखिएगा, थैंक यू वेरी मच. ये हमने इसको अच्छी तरह से मर्ज करना, लिपस्टिक के बारे में आप पूछ रही थी, ये हमने लिपस्टिक को अच्छी तरह से लिप के साथ मर्ज करते हुए अप्लाई करना. मर्ज करते हुए भी डिफरेंट तरह की होती है या एक ही? वेरी नाइस, बहुत टेक्निकल सवाल आपने पूछा. सामने देखिएगा प्लीज. अच्छा, जितनी भी बेबी लिपस्टिक होती है किसी भी इंसान को, क्या किसी भी इंसान को बेबी दिखाने के लिए आपने यहां से लिपस्टिक को बढ़ाना होता है, ये आपके सामने, ये यहां से, तो आपका लिप छोटा दिखेगा, आप बेबी दिखेंगी यहां से. आप हमें अभी चाहिए होगा स्टिक ब्रश. मैं दोनों पैटर्न क्लियर कर दूं ताकि देखने वाली बच्चियां आसानी से इस बात को समझ पाएं. अच्छा, अब मैं एक पॉइंट यहां पे बता दूं. इधर देखिएगा प्लीज, बहुत शुक्रिया आपका. ये देखें, यहां से जो इस तरह से लिपस्टिक अप्लाई होती है, ये आपके सामने, ये आपको तेज दिखाती है, चलत्तर दिखाती है, शार्प दिखाती है. ये आपके सामने कैमरा बहुत बड़ा जज होता है. इस तरह जितने भी लोग लिपस्टिक अप्लाई करते हैं, मोस्टली लोग या घर में बैठी हुई लेडीज जो हैं लिपस्टिक ऐसे ही लगाती हैं. ना ना, ऐसे नहीं, घर में बैठे लोग आप सॉफ्ट बनो, आपके घर में फैमिली मेंबर्स, आपके हस्बैंड आए, हैप्पीनेस मिले, खुशियां मिले. यहाँ पे इतनी तेज तेज लिपस्टिक कुत्तों अपनी जनाब, ऐसे नहीं करना चाहिए. आप लुक बेबी दिखाएं, अच्छी बातें करें, आपके खानदान खुशियों से बढ़ जाएंगे, अच्छे रोजगार की जानब आए, काम को पढ़ के समझ के सीख के. थोड़ा सा इधर देखिएगा, ये लिपस्टिक होती है प्राउड लिपस्टिक, इसको बोलते हैं प्राउड लिपस्टिक. बहुत सारे गिफ्ट भी हमारे पास मौजूद जी बिल्कुल, आप वो हम देंगे ऑडियंस को और उनसे क्वेश्चंस करेंगे पहले, तब उनको वो गिफ्ट मिलेंगे. बिल्कुल जी, आप कर सकते हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या सीखा और आज आप माइक कहाँ पे है, उनसे पूछें कि आज की लुक में. अभी मैं सवाल पूछूंगा, आपने आंसर करने हैं कि आपको कितनी बात समझ आई. ओके जी, बहुत शुक्रिया. हमारे मेकअप आर्टिस्ट, मेरे ख्याल में माइक भी साथ कराची तो नहीं ले गए. हाँ नहीं नहीं, किधर ही है, चलें जी वो दे रहे हैं, आगे आज हम माइक दे दें उनको प्लीज. बहुत शुक्रिया आपका. यह हमने इसको अच्छी तरह से अप्लाई करना, फोकस रहे प्लीज. यह हमने इसको अच्छी तरह से मर्ज करते हुए अप्लाई करना लिपस्टिक को. हमारा जो रोज न्यूज के फोरम से शो जा रहा है, आउट ऑफ कंट्री से भी बहुत से लोग देख रहे होते हैं, उन सबका भी बहुत शुक्रिया. यह हमने इसको अच्छी तरह से अप्लाई करना है लिपस्टिक कलर को. थोड़ा सा इधर देखिएगा. अच्छा, अब मैं इसको क्लियर कर दूं, फिर मैं दोनों लिप एक जैसे बनाऊंगा. थोड़ा सामने देखिएगा कैमरे की जानब. बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच. लिपस्टिक लगाने से मेकअप की लुक ही टोटल चेंज हो गई है. बिल्कुल, लिपस्टिक का बहुत बड़ा अमल दखल होता है. नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, लिपस्टिक अप्लाई कर लो तो आपका मेकअप कंप्लीट. हालांकि मेकअप बहुत बड़ी डिटेल है, इसको डिटेल से करना सीखो.
अभी हम अगर आज अगर हमारे पास टाइम बचा तब हम इसको ग्लैमर मेकअप में लेके जाएंगे, नहीं तो आज तक हम आपको इस मेकअप को सिखा देंगे। नेक्स्ट शो में हम आपको एवरी थर्सडे हर जुमे रात को ये शो आपको देखने को मिलता है, तो फिर हम नेक्स्ट लुक में ग्लैमर मेकअप के साथ आएंगे, वर्ल्ड क्लास स्मोकी आई मेकअप। स्मोकी मेकअप लोग सिर्फ ब्लैक को समझते हैं, हमारा कैमरा डिपार्टमेंट भी बहुत इंटरेस्ट लेता है मेकअप में, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी हमारी माशाल्लाह। तो अब ये देखें, इधर देखिएगा, असल में जब आपको बात समझ आए, असल में क्या, जब आपको बात समझ आए, डिपार्टमेंट कोई भी हो आप इंटरेस्ट लेते हैं कि बंदा बात क्या कर रहा है, तो बोलो सही, बात पहुंचाओ हमारे इस मुल्क में। अच्छा अब मैं इसको भी बेबी बनाने जा रहा हूं, लिपस्टिक को ये आपके सामने बेबी लिपस्टिक अप्लाई हो जाएगी एक सेकंड में, जो लिप यहां से उठाया जाता है, थोड़ा सा इधर देखिएगा ताकि देखने वाले करीब से देख सकें, हमारी कोशिश है एक एक पॉइंट करीब से दिखाया जाए, प्रैक्टिकल बताया जाए, सिर्फ वॉक टॉक और बाकी चीज़ों में ना पड़े रहें जो कर रहे हैं लोग। ये हमने इसको अच्छी तरह से मर्ज करना है, मर्ज करना है, मर्ज करना है, इसको अच्छी तरह से, जितने हमारे बच्चे घर में बैठे देख रहे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस फील्ड में बहुत बड़ा स्कोप है, आप आएँ इस फील्ड में काम करें, और एजुकेटेड लोग इस फील्ड में आए, पढ़े लिखे वो इस फील्ड में काम करें, ताकि इसको एक प्रॉपर एक इज्जत मिल सके। इधर देखिएगा, क्वेश्चंस कर सकते हैं हम ऑडियंस से? जी करें करें बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि सबसे पहले लाइनर जो सर ने अप्लाई किया वो कौन सा वाला किया, बताएं आप बताएं। सिंपल आईलाइनर। जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल जी, ये हमारा आज हमने सिंपल आईलाइनर एप्लीकेट किया, और ये हमारे वाइटले की जानिब से, आप उठ के ले ले प्लीज, ये गिफ्ट पकड़े, ये आपको क्रीम फौरन गोरा कर देगी, जैसे हर लड़की चाहती है मैं गोरी हो जाऊं, ये छाइयां दाग जब खत्म कर लेगी, इधर देखिएगा प्लीज, स्लोली स्लोली देगी, लेकिन आपकी जो स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है। थैंक यू, ये बहुत अच्छी है। ओके जी, इसको हमने अच्छी तरह से, सेकंड सेकंड प्लीज सेकंड, थोड़ा फास्ट करेंगे, हमने हुनर भी सिखाना है, गिफ्ट तो बाकी बड़े लोग की गड्डियां भी बेची जा रहे हैं, मिलती कोई नहीं, लेकिन आप तो वजह रखे प्लीज। चले अभी कौन देखिएगा सी लड़की जो है वो आंसर देगी, बताएं जरा। नेक्स्ट लिपस्टिक आज सर ने कौन सी अप्लाई की है बता दें, आप बता दें लिपस्टिक के कौन कौन सा तरीका आपको बताया गया, कौन कौन सा तरीका बताया गया, लिप ब्रश आपको भी वाइटले की क्रीम दी जाती है, ये अप्लाई करें। चले जी माशाल्लाह, आप मुबारक हो आपके लिए भी। अगर जी काम को पढ़ के समझ के फिर प्रैक्टिकल करें और कोशिश करें फास्ट इन चीजों को कंप्लीट करें। सेकंड कोई सवाल बताने वाला है तो बताए। ओके अभी मैं जी बिल्कुल जी, सर ने जो है हमें किस तरह की और कैसी कौन सी कंटूरिंग बताई है वो बता दें, कितने तरह की बताई है कंटूरिंग, किस किस टाइप की आज फीचर की कंटूरिंग की गई है, फास्ट बताइएगा प्लीज, बहुत शुक्रिया आपका। प्राउड और कंटूरिंग, कौन सी बेबी, हाँ दोनों बताएं, प्राउड और बेबी, बिल्कुल जी दोनों को वाइटले का दे दें, क्लींजर दे दें। थैंक यू सो मच, क्लींजिंग मिल्क यूज करें आप, और बेस्ट आपकी स्किन टोन हो जाएगी बिल्कुल, और इसको भी समझ के इसमें नेचुरल प्रोडक्ट ऐड है, जो भी चीज आप तक पहुंचाई जाती है रोज न्यूज के फोरम से, रियल टेक्निक रियल प्रोडक्ट्स, अच्छी तरह से इसको आप अप्लाई करें, और इधर देखिएगा प्लीज। अभी हम क्लोजिंग की तरफ भी जाएंगे, तो ग्लैमर आई मेकअप, हाँ बिल्कुल, हाँ 10 मिनट आज फिर हम इस तरह करते हैं, आज हम ये हमने जो आज का मेकअप कम्प्लीट कर लें ताकि हम लुक दिखा दें, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, और गिफ्टिंग कर दें ताकि हम फिर जी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला लुक कंप्लीट होने जा रही है, बस लिपस्टिक की एप्लीकेशन करेंगे हम। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया, लिप में स्टिक ऐड कर दी है लिप कलर को चेंज करने के लिए, ये सिंपल हमारी 36 नंबर टीवी स्टिक है पाकिस्तानी अट्रैक्टिव सामली स्किन टोन की, पूरी दुनिया में 200 स्किन टोन की बेसेस लॉन्च हो चुकी है, हमारे यहाँ क्या करते हैं 2 से 3 बेसेस लेते हैं और हर एक पे अप्लाई करते जाते हैं, बेस पे भी हम आपको रमजान में हम कितने तरह की बेस सीख चुके हैं, मेकअप शो विद एम रमजान में कम से कम हम 5 तरह की स्किन टोन की बेस प्रैक्टिकल करके दिखा चुके हैं, और सुन आपको 195 स्किन टोन बताई जाएंगी कि कौन कौन सी स्किन टोन पे कौन कौन सी बेस अप्लाई करनी है, चाहे वो लड़का है या वो लड़की है, कौन कौन सी बेस किस किस स्किन टोन पे आएगी, और किस तरह का कॉम्पैक्ट पाउडर होगा, और कॉम्पैक्ट पाउडर का मकसद क्या होगा, पेन के कौन सा होगा, पेन के का मकसद कौन सा होगा, बिल्कुल मैं आपकी तरफ हम जाएंगे, बिल्कुल जी आपने बिल्कुल फाइनल लुक दिखा दें, बिल्कुल सफिया कमल साहब आपने बिल्कुल ठीक बोला, बस ये हम फाइनल लिप की एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसी के साथ इंशाल्लाह ताला आज क्लोजिंग होगी, और आज बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात ये भी है, फाइनल लुक दिखा दें,
हाँ फाइनल लुक की हम जाने बा रहे हैं और आज मैडम सफिया कंवल साहबा ने आज अपना पहला शो होस्ट किया है. आप सबको ट्रीट भी मिलेगी, हमारे जितने कैमरा मैन है. तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी, इसका किसी को फोकस ही नहीं हुआ. तो हमने इसको अच्छी तरह से अप्लाई करना है. प्लीज ये हमने लिपस्टिक में स्टिक को ऐड करते जाने मर्ज करते हुए ऐड करेंगे. ये आपके सामने इधर देखिएगा प्लीज. बहुत शुक्रिया आपका. यहां से मैंने लिप को उठाया, थोड़ा सा बढ़ाया ताकि लिप कंट्रोल करें और लिप को बेबी दिखाया जा सके. कहां से? बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह से उठाएंगे तो आपकी लुक छोटी दिखेगी. इसको हमने अच्छी तरह से मर्ज करते जाना है. अगले 3 से 4 मिनट में हमारी लुक कंप्लीट हो जाएगी. आप बिल्कुल कंफर्ट रहें. और बिलाल भाई, हमारी प्रोडक्शन टीम, आप तमाम का बहुत ज्यादा शुक्रिया. आप सबकी बहुत ज्यादा एफर्ट रहती है हमारे साथ. आज माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत लाइट, जितने लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं व्हाट्सएप इंटरनेशनल ग्रुप्स में भी, आज सामने देखिएगा प्लीज, क्लोज शॉट दिखाइएगा. थैंक यू वेरी मच. बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारी लाइट्स के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन आज आपको एक एक टेक्निक सामने देखने को मिल रही है. हमारी कोशिश है आपको रियल टेक्निक बताई जाए. हमारे स्क्रीन पे नंबर्स भी चल रहे हैं, हमारे लाइव कॉल के नंबर भी चल रहे हैं. आप इन पे रब्ता कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं. और सर मेकअप आर्टिस्ट मोहम्मद रमजान से आप काम सीख सकते हैं. और अभी हमारी फाइनल लुक तैयार हो चुकी है, वो हम अभी फाइनल दिखाते हैं. सर कितना मिनट? जी बिल्कुल, अभी 1 से 2 मिनट लगेगा, फिर हमारी लुक रेडी हो जाएगी ताकि हम लुक देख. जी बिल्कुल, अभी अभी सिंपल लिप ग्लॉस करेंगे और लुक रेडी है प्लीज. बहुत शुक्रिया आपकी कोऑपरेशन का. बिलाल भाई हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, माशाल्लाह से बहुत बड़ी क्रिएशन कर रहे हैं. और ये सब आप देखने वाले जितने भी, आपके लिए हम ये काम करते हैं. आप फीडबैक लाजमी पहुंचाया करें यूट्यूब पे, जहां जहां भी आप देखते हैं फीडबैक लाजमी लिखा करें. बांग्लादेश से एक मैडम है, उनका नाम अभी भूला हुआ हूँ, यूट्यूब पे उन्होंने बहुत बड़ी एक हिस्ट्री लिखी, उनका भी बहुत शुक्रिया. जी जी बिल्कुल, हम मुझे ये हमने काम कंप्लीट कर लिया. असल में इधर देखिएगा, जितने देखने वाले उनका नाम बहुत जरूरी होता है कि वो इतने दिल से हमें फीडबैक पहुंचाते हैं. ये आपके सामने जी, हल्का सा लिप ग्लॉस अप्लाई किया, इसी के साथ आज की हमारी लुक रेडी हो चुकी है. और आप खड़े हो जाइए, आज की हमारी मैसी लुक है और हमारी बनी है. जी बिल्कुल जी, आप समा यही खड़े रहिएगा प्लीज. बहुत शुक्रिया. आज हमने जो एप्लीकेट किया ब्लश ऑन, बेबी ब्लश ऑन के साथ मैसी जुड़े के साथ लुक बनाई है. आंखें आपकी कैमरे को देखेगी. बहुत शुक्रिया आपका. और इसके साथ हमने बेबी ब्लश ऑन अप्लाई किया, बेबी लिपस्टिक अप्लाई किया है और मैसी जुड़ा अप्लाई किया है. इसको प्राउड पफ बोलते हैं. जो मैंने इसको बनाया, जो ऊपर की जाने पफ होता है उसको प्राउड पफ बोलते हैं. थोड़ा सा इधर देखिएगा और आंखें उधर ही आपकी देखेगी. कैमरे को सिर्फ चिन डाउन कीजिएगा, हल्की सी आंखें सामने ही देखेंगी. ये आज आपको वर्ल्ड क्लास मेकअप की टेक्निक प्रैक्टिकल करके दिखाई गई, पढ़ाई गई, सिखाई गई. और हमारी स्टार स्टाइलिश आर्ट इंस्टीट्यूट और रोज न्यूज के फोरम से सबसे बड़ी एफर्ट कि आपको रियल टेक्निक आप तक पहुंचाई जाए प्रैक्टिकली. जी बिल्कुल, हर जुमेरात को ये हमारा शो चलता है, मेकअप शो विद एम रमजान. मिलते हैं नेक्स्ट शो में और नई लुक के साथ और नए मेकअप एंड स्टाइलिंग के साथ. अल्लाह हाफिज़.